नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि ये शोभा यात्रा 4 अक्टूबर यानी विजयदशमी को गोरखनाथ मंदिर से निकाली जाएगी और कई रास्तों से होकर मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रामलीला मैदान पहुंचकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण और माता सीता का राज तिलक कर उनका पूजा अर्चन करेंगे, जिसको लेकर के गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद नजर आ रही है और पहले से ही यात्रा वाले मार्गों के आसपास के क्षेत्रों का आज SPCT द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। जनपद गोरखपुर में 4 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परंपरागत रूप से विजयदशमी का जो जुलूस निकाला जाता है वो निकाला जाएगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले कई दिनों से गोरखपुर पुलिस सुरक्षा के इंतजाम करने में जुटी हुई है। हमने करीबन 252 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की है, जिनकी रूफ टॉप्स पर आज ड्रोन उड़ा के वेरीफाई किया गया कि उनकी छतों पर कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स नहीं है, एवं उसके साथ साथ वहाँ पर बड़ी पेयर के तौर पर ताकि किसी प्रकार का कोई स्नाइपर या इस प्रकार का किसी प्रकार का अटैक हो उसको रूल आउट किया जा सके, उसके लिए बड़ी पेयर में ड्यूटीज डिप्लॉय की जाएगी। उसके साथ साथ RAF, SSB, PAC एवं जनपद पुलिस द्वारा मुस्तैद रहकर 4 अक्टूबर को परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले जुलूस को अच्छे तरीके से प्रोसेशन को निकाला जाएगा। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन के समस्त कार्यकर्ताओं, किसानों ने पीलीभीत शहर के रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल अधिकारी को 7 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पीलीभीत से बरेली जंक्शन तक टाइम टेबल के अनुसार बरेली सिटी की जगह बरेली जंक्शन तक सीधी ट्रेनें चलाई जाएं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष श्रीमान भजनलाल क्रोधी के नेतृत्व में जनपद पीलीभीत से संचालित होने वाली ट्रेनों की जो व्यवस्थाएं उसमें खामियां हैं, रोस्टर को लेके खामियां हैं, ट्रेनों में बुग्गी बढ़ाए जाने के लिए जनरल खामियां हैं, ट्रेनों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसमें खामियां हैं, स्टेशन पर मिलने वाला जो ठहराव के लिए टिकट है उसके मूल वृद्धि को कम किया जाए उसके लिए मांग की गई है। कर्मचारी, विद्यार्थी, नौजवान जनपद पीलीभीत से भारत सरकार दिल्ली तक पहुँचने के लिए जो ट्रेन की व्यवस्था है वो एक ही राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। पीलीभीत स्टेशन से लखनऊ मुख्यालय तक पहुंचने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था सीधे होने चाहिए। मथुरा के रमरडेती क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने SSP ऑफिस में जमकर हंगामा किया। युवती का आरोप है कि मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, साथ ही उसका सामान भी रख लिया है। पीड़ित का कहना है कि SSP कार्यालय के चक्कर लगाकर वो परेशान हो गई है, अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो खुदकुशी कर लेगी। मुजफ्फरनगर की फुगाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध नशे की खेप बरामद की है, जिसमें लाखों रुपए की कीमत की हजारों नशे की गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन मौजूद है। ये नशे के सौदागर मेडिकल स्टोर से नशे की दवाइयाँ युवाओं को अधिक दामों में बेच दिया करते थे। महोदय के निर्देश में ड्रग्स की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत फुगाना पुलिस ने एक अच्छी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। ये नशीली दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं, जिनका उपयोग युवा करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फुगाना, बुढ़ाना और मुजफ्फरनगर में इसके लिंक जुड़े हुए हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये लगातार बड़े पैमाने पर गाँव के नए नए लड़कों को ये दवाएँ बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के नशे के लिए बेच रहे थे। फरुखाबाद में BSc की छात्रा ने विशेष समुदाय के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दरअसल छात्रा का आरोप है कि छात्रा जनसेवा केंद्र पर स्कूल के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करवाने गई थी, इस दौरान छात्रा से तमंचे के बल पर युवक ने दुष्कर्म किया। मामले को लेकर के गुस्साए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने थाने में धावा बोल दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। सोनभद्र में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड और 54 ब्लॉक प्रमुख लीला सिंह गोंड ने
क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर दो टीबी मरीजों के घर पहुंच करके उन्हें गोद लिया। साथ ही मरीजों को खाने की सामग्री देकर के उनकी कुशलता पूछी और नियमित उपचार कराने के लिए कहा। ना देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर ये सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो हम सब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग मिल करके क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग हैं और उनको सेवा करने के लिए हम सबको वो निर्देशित है। हम लोग जो है कि उसी सेवा पखवाड़े के अवसर पर हम सब जो है कि आज जैसे हमारे क्षेत्र के जितने भी टीबी के मरीज हैं उनके घर जा करके उनको जो है कि हालचाल लेना और उनको दवा के लिए प्रेरित करना, समय से दवा खाएं और इस तरह से हम लोग जो है कि उनका सेवा करने का काम कर रहे हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अपने एक दिवसीय दौरे के लिए बलरामपुर में थी। उन्होंने मंडी समिति में FPO के तहत खोली गई एक दुकान का उद्घाटन किया और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने MLK PG कॉलेज पहुँच करके थारू जनजाति और समाज की अन्य तबकों के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और गर्भवती महिलाओं से मुलाकात की और आंगनबाड़ी किट दिया। राज्यपाल ने कहा कि आज भी समाज में बेटी होने पर महिलाओं को दोषी माना जाता है, जबकि लड़का या लड़की पैदा होना ईश्वर की देन है। पूरे यूपी में है, मैं धन्यवाद देती हूँ अधिकारियों को, ये प्रयास किया है कि 84% महिलाएं 100 में से अभी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रही हैं। अभी भी 16 महिलाएं बची जो हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं है, और इसमें मैं मानती हूँ कि आदिवासी क्षेत्र की भी महिलाएं होगी जो उसको मना करती होगी। मैं मानती हूँ कि जब किसी की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है। किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को किसानों की समस्याओं पर बड़ा आंदोलन होगा, सरकार केवल दबाव बनाने का काम कर रही है, इस सरकार में जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है। किसानों को दिक्कत बहुत हो रही, पूरे प्रदेश में गन्ने का एक बड़ा इशू है, जहाँ गन्ना की बेल्ट है, भुगतान नहीं हो पा रहे, यहाँ पे भी एक है भुगतान नहीं हो रहा, दूसरा खरीद नहीं हो पाती, खरीद बहुत सस्ते रेट में फसलों की खरीद होती है, खासकर का भी धान आ जाएगा तो MSP से नीचे पे बिकेगा। भारत सरकार से जब बातचीत हुई और दिल्ली का आंदोलन था वो इसी उसको था कि MSP गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, अभी नहीं हो पड़ना तो उसी के लिए बड़ी मीटिंगें चल रही है। जल भराव की समस्या है, फसल खराब हो जाती है तो बीमे से लाभ नहीं मिलता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी के श्रीकोट में अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराते हुए अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मामले की जांच को DIG पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक SIT टीम गठित की गई है, जिसने अपनी जाँच प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, डोईवाला विधायक ब्रिजभूषण गैरोला के अलावा अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जो समय की जो समय अवधि है उस समय अवधि में ही काम हो, ऐसे भी निर्देश हमने और ऐसे भी जो पूरी योजना जो हमने बनाई है उस योजना को, जैसे कि कोई समय है तो उसी निर्धारित समय में योजना पूरी होगी, अन्यथा जो योजना पूरी नहीं होगी उसके लिए भी हमने उत्तरदायित्व फिक्स किया।
सितारगंज में विभिन्न मांगों को लेकर के LIC एजेंटों ने कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने एजेंटों की मांग जल्द पूरा करने की मांग की गई है। शाखा कार्यालय पर प्रदर्शन कर एजेंटों ने कहा कि पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाने, पॉलिसी से GST हटाने, लोन पर ब्याज दर घटाने, बीमाकर्ता की ग्रेच्युटी बढ़ने और अभिकर्ता का ग्रुप इंश्योरेंस करने, अभिकर्ताओं का मेडिक्लेम बढ़ाने करने की मांग की गई है। 2022 को जो धरना दिया था हम लोगों ने कि हम अपने कुछ मांगों के रखे थे वहाँ पर, लेकिन हमारे मांगे अनसुनी कर दी गई, जिससे हमें पुनः 30 सितंबर 2022 को फिर से धरना हमको देना पड़ा कि हमारी मांगे पूरी हों। लेकिन हमारी मांगे जो कि तो रहीं, अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, हम फिर से इस धरने को लगातार करते रहेंगे। श्रीनगर में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के लोग सड़कों पर हैं। इसी कड़ी में प्रगतिशील जनमंच के आह्वान पर 2 अक्टूबर को श्रीनगर बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर के आज बद्रीनाथ धर्मशाला में व्यापारियों, छात्र संगठनों, राज्य आंदोलनकारियों की बैठक हुई, जिसमें सामूहिक रूप से यह फैसला लिया गया कि वही जीता श्रीकूट व्यापार सभा के अध्यक्ष और पूर्व होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश नौटियाल ने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर के लोगों में डर बैठ गया है। प्रदेश में ये पहला मामला है जहां प्रदेश की बेटी की इतनी निर्ममता से हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि जनता मांग रही है कि अंकिता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। 19 साल के जो बच्चे हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो 19 साल की उम्र में हैं, और उसी तरीके से जैसे अंकिता अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, वैसे ही वो बच्चे भी कर रहे हैं। वो भी अपने परिवार को संभालने के लिए आगे आ रहे हैं। तो हम अंकिता के जैसे और भी बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो 2 तारीख के इस जो बंद का आह्वान दिया गया है, इसमें शामिल हों, क्योंकि ये केवल अंकिता के न्याय के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में इस राज्य में और कोई अंकिता न बने, इसके लिए ये आह्वान किया जा रहा था। देखिए, अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर अभी भी कुछ जैसा यहाँ की पब्लिक और यहाँ के लोग चाह रहे थे, वो संदेश अभी उत्तराखंड सरकार ने दिया नहीं। हम कम से कम 1 करोड़ की मांग कर रहे थे, उन्होंने 25 लाख की मांग, 25 लाख स्वीकार किया। राज्य आंदोलन करी आज भी उसी तरीके से खड़ा है जिस तरीके से वो पहला खड़ा है। हमारी सोच के अनुसार, सोच के अनुरूप के अनुसार राज्य नहीं बना, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। और इस सारे षड्यंत्र के पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, और सरकार ने जो है इस अंकिता भंडारी कांड में भी सरकार का पूरा व्यक्तित्व सामने आ गया है, और यह बड़े दुख की बात है। खबर हाथरस से है, जहां एक पुजारी को आया सपना की BSA कार्यालय की जमीन के नीचे हनुमान जी की मूर्ति दबी है, जिसके बाद पुजारी फावड़ा लेकर के BSA कार्यालय पहुंचे और कार्यालय परिसर में जमीन की खुदाई करने लगे। हैरत की बात यह है कि BSA कार्यालय की जमीन से खुदाई के दौरान हनुमान जी की 2.5 फीट बड़ी प्रतिमा निकली। हनुमान जी की प्रतिमा जैसे ही जमीन से निकली तो वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिसके बाद भक्तों ने प्रतिमा का शुद्धिकरण कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। ये पूरा मामला कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के रमनपुर स्थित BSA कार्यालय का बताया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां जोन के ADG राजीव सबरवाल ने आगामी त्योहारों को लेकर के मुख्य बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। देहरादून चौक से घंटाघर होते हुए श्रीराम चौक तक पैदल गश्त की गई। इस दौरान उनके साथ DIG सुधीर कुमार सिंह, SSP डॉक्टर बिपिन ताड़ा, SP देहात सूरज राय, SP सिटी राजेश कुमार व अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, ये आपने देखा होगा कि शुरू से ही जो हमारी पुलिस फोर्स है इस जनपद के अलावा सभी जनपदों में, एक फुट पेट्रोलिंग हमारी पुलिसिंग का अहम हिस्सा है, जिसमें बेसिकली हम अपने शहर के मेन बाज़ार में अपना एक फुट पेट्रोलिंग करते हैं, रूट मार्च करते हैं। इसका मेन उद्देश्य पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना है। साथ ही जैसे आपने देखा, सिविल डिफेंस के यहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, संभ्रांतों से बातचीत करें, एक पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने की बात है। साथ ही एक मैसेज है उन लोगों को जो अराजक तत्व हैं, कि हम सजग हैं, हम सतर्क हैं, और यदि कोई भी किसी प्रकार का कोई इलीगल काम करने की कोशिश करेगा तो उसका सख्ती से निपटा जाएगा। खबर बस्ती से है, जहां जिंदगी की तलाश में एक परिवार डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने जीवन देने के लिए एक ऐसा इंजेक्शन लगाया कि आंख की पलक झपकते ही मासूम बच्चे की मौत हो गई। CMO ने कहा कि मामले की जानकारी होते ही DPCMO की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। डॉक्टर क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गया है। झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है,
जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विषय में मामला प्रकाश में आया है, परशुरामपुर थाना क्षेत्र में नेवरे रामबक्स स्थित किसी क्लिनिक वहाँ चल रही है। वहाँ एक किशोर को इंजेक्शन लगाने से मौत का मामला जो है प्रकाशित हुआ है समाचार पत्रों में। इस विषय में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए हमारे जांच अधिकारी डिप्टी सीमो सुबह ही वहाँ पे गए थे, वहाँ सबसे निरीक्षण किया। हालांकि उन्हें निरीक्षण रखा, अभी वहाँ क्षेत्र में ही है वो, अभी निरीक्षण रखा प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन मोबाइल से उन्हें अवगत कराया कि वो बंद है। बच्चा जो बीमार था उसको उसके परिजन बगल के एक लोकल क्लिनिक में ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया और बच्चे की हालत उससे और ख़राब हो गई और जब उसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई तो उसको परिजन लेकर कर भेजा गया। तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा हल्दी इसकी मृत्यु हो चुकी है और परिजनों का आरोप है कि गलत तरीके से ट्रीटमेंट करने के कारण उसके बच्चे की मृत्यु हुई है। खबर आगरा से है, जहां नशेबाज प्रधानाध्यापक का सरकारी स्कूल में तांडव देखने को मिला। दरअसल नशेबाज शिक्षक ने रसोइयों को गाली दी, वहीं ग्रामीणों ने नशेबाज शिक्षक का लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल कर दिया। ये मामला ब्लॉक फतेहपुर सिकरी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ताजपुर नगरिया का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।